सनातन धर्म, मतलब अपनी सनातन परंपरा, अपना हिंदू धर्म, वो कह रहे हैं वो तो मेरी आवाज नहीं आ रही है सही से। वायरस है, डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, सनातन धर्म का अपमान कोई सहन करेगा क्या? एक बार मेरे साथ बोलो हर हर महादेव। मैं चेताना चाहता हूं ऐसी ताकत को। सनातन धर्म का मतलब तुम जानते हो? अरे सनातन धर्म का मतलब है सिया राम में सत्य ज्ञानी। सनातन धर्म का मतलब है वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार है। सनातन धर्म कहता है जियो और जीने दो। सनातन धर्म कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का। ये सनातन धर्म है जो सबको सुखी निरोग और सबके मंगल और सबके कल्याण की कामना करता है। आज इस सभा में हम सब एक प्रस्ताव पारित करेंगे कि सनातन धर्म की निंदा और अपमान हम सहन नहीं करेंगे। बोले सब तैयार है तो दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो और बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, गौ माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस आग से खेलने का काम ना करे। राजनीति में धर्म को अपमानित करने का षड्यंत्र कांग्रेस का किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व आज दुनिया सनातन परंपरा को अपना रही है। वसुधैव कुटुंबकम योग पूरी दुनिया में पहुंच गया, गीता जी पूरी दुनिया में पहुंच गए। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सर्वधर्म संभाव, लेकिन सनातन के अपमान को सहन नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मकसद है आपकी जिंदगी में बेहतरी लाने। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं भी सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार परिवार चला। बताओ मेरी बहनों, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? अरे जोर से बताओ, मुख्यमंत्री हूं कि भैया? मुख्यमंत्री हूं कि मामा? ये भाव कभी कांग्रेस को पैदा किया क्या? भाई बहन, भांजे भांजी, ये पवित्र रिश्ते हैं हमारे, और जनता की तकलीफ और दुख देख के एक के बाद एक योजना बनाई। देखो ऐसी सरकार नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निशुल्क राशन की सौगात की गरीबों को। अभी पट्टे की बात कर रहे थे सचिन जी, मैं कहना चाहता हूं गरीब बहनों और भाइयों, चिंता मत करना, ये मामा का संकल्प है। मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को जमीन के बिना नहीं रहने दूंगा। रहने की जमीन सबको चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? रहने की जमीन का टुकड़ा हमारे इतना तो दिया होगा, कम से कम इतना तो हमारे हिस्से में छोड़ा होगा कि एक जमीन के टुकड़े पे घर बना के रह सके। और जो चाहे वो सरावत के पट्टे का मामला, वर्षों से जिनका कब्जा है, चाहे और कहीं के पट्टे का मामला हो, हर गरीब को पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे। और उसके बाद जिंदगी की जरूरत होती है, बड़ा ना हो, भव्य बंगला ना हो, लेकिन रहने को एक ढंग का छोटा सा घर तो चाहिए। बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे जोर से बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? आज ही कैलाश जी, आज ही कैबिनेट ने तय की एक नई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बन रहे। 44 लाख मकान बनाए, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। आवास प्लस में भी कई नाम जुड़े, वो मकान भी बनेंगे। लेकिन फिर भी हर गांव में हमारे विधायक, हमारे सांसद मुझे कहते थे, कमल बैठे हमारे प्रभारी मंत्री अभी कैबिनेट से आ रहे हैं, वो हमें बताते भैया माताएं बहने आती है, हमारा घर देख लो, कच्ची टपरिया है, टूटी टपरिया में पड़े हैं, हमारा भी मकान बनवा दो।
बोलो बनना चाहिए कि नहीं, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो सुनो, आज योजना बनाई हमने, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन गरीबों के नाम छूट गए हैं मुख्यमंत्री आवास योजना में उनके नाम जोड़े जाएंगे। और दो तीन दिन में ही आवेदन भरवाना शुरू कर रहे हैं। कच्ची टपरिया वालों मत घबराना रे, तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री है, सब गरीबों के मकान बनेंगे। एक नई योजना हमने शुरू की, मेरे बेटा बेटी मिलते हैं, अभी भी मिलते, इनकी पढ़ाई बताओ ढंग से होनी चाहिए कि नहीं, बात करो बताओ होना चाहिए कि नहीं। अगर कोई किसान के बेटे, कोई गरीब के बेटा बेटी है, उनमें भी तो बुद्धि होती है, उनमें भी तो अकल होती है, उनको भी तो पढ़ने का अधिकार है। क्या उनके पास पैसे नहीं तो वो पढ़ेंगे नहीं? सुनो मेरी बहनों और सुनो मेरे भाइयों, ये मध्य प्रदेश है जिसने तय किया है एक नहीं कई योजना। अगर पांच भी पास करके छठ भी दूसरे गांव जाए तो साहित्य देते हैं, कमलनाथ दादा ने बंद कर दी। आठ भी पास करके नौवीं में जाए तो साहित्य के 4,500 दिए इस बार, वो भी कमलनाथ जी ने बंद कर दिए। और बारहवीं में अच्छे नंबर लाए तो मामा लैपटॉप के 25,000 खाते में डालता है, अभी मैंने डाले। बताओ गरीब के बेटे के पास लैपटॉप होना चाहिए कि नहीं? और अभी तक तो 75% पे लैपटॉप दे रहे थे, अगले साल जो बच्चे 60% नंबर लेके आएंगे उनको भी मामा लैपटॉप दिलवाएगा। पढ़ने दो यार बच्चों को, पढ़ने दो। लेकिन तुम्हें पता कमलनाथ जी ने ये लैपटॉप भी छीन लिए, पता है कि नहीं? लैपटॉप छीन लिए मेरे भांजे भांजों ने, क्या बिगाड़ा था कमलनाथ जी, तुमने इन बच्चों के लैपटॉप छीन लिए। और सुनो मेरी बहन और भाई, जो बच्चे बारहवीं में अपने अपने गांव में, मैंने शहर और गांव का मुकाबला नहीं किया, नहीं गांव के बच्चे पीछे रह जाते, अपने अपने गांव में जो बच्चे फर्स्ट नंबर आते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल में बारहवीं में, उनको मामा ने स्कूटी दिलवाई है, स्कूटी। और इस साल तो एक को दिलवाई है, जो दूसरे नंबर पर रहेगा तो मामा आधे आधे परसेंट पे रह गए मामा, आधे नंबर से जाएगा मामा। तो अगले साल तीन तीन बच्चों को हर स्कूल में स्कूटी दी जाएगी, ताकि अच्छी प्रतिस्पर्धा, बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। और आगे की चिंता भी मत करना, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में और किसी बड़े शिक्षण संस्थान में अगर बच्चों का एडमिशन होगा तो गरीब बहन भाई, किसान बहन भाई, वो किसी जाति और समाज के हो, फीस बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फीस बताए कितनी होती है? 10 लाख 12 लाख रुपया साल, और 5 साल पढ़ना पड़ता है तो 60 लाख 70 लाख। बताओ कोई किसान दे सकता है क्या? जोर से बोलो। गरीब बहन कोई दे सकती है? गरीब दे सकता है? तो उन बच्चों की फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ कौन भरवाएगा? बीजेपी की सरकार भरवाएगी, चिंता मत कर। बच्चों का रास्ता रुक सरकार काहे के लिए होती है भैया? सरकार इसलिए थोड़ी होती कि मचमचा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए और जनता रोती रहे। सरकार इसलिए होती कि जनता की जिंदगी बदल दे, लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता आए, जिंदगी आसान हो जाए। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बनाई, कैलाश जी हमने विस्तार कर दिया उस योजना का। हमने तय कर दिया कि आयुष्मान भारत योजना में जो बचे हुए किसान और गरीब है सबको जोड़ के 5 लाख रुपए तक का साल का इलाज फ्री में करवाएंगे। गरीब किसान बीमार हो जाए, एक बीमारी खा जाती है 2 लाख 4 लाख 5 लाख कहां से लगाते? और इसलिए मैं जो कह रहा हूं, बहुत लंबी बात करने का मौका नहीं है, वो यही कह रहा हूं कि हमारा लक्ष्य है आपकी सेवा। कमलनाथ जी ने तो सब योजना बंद कर दी थी, जवाब देना चाहिए, जवाब तो नहीं दे। 900 वचन दिए थे पूरे नहीं किए। बताओ क्या सब किसानों का कर्जा माफ किया था? जोर से बताओ किया था क्या? कर्जा माफ किया,
न समूह का कर्जा माफ किया, न बेरोजगारी भत्ता दिया। अरे मेरे बेटे बेटियों, हम तो 1,00,000 सरकारी नौकरियों की भर्ती 1 साल में पूरी कर रहे। जो बच्चे उसमें रह जाएंगे उनको स्वरोजगार का लोन, ज्यादा समय नहीं है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति का वो दे रहे हैं। और उसके बाद अलग अलग कंपनियों में, कोई इंदौर में, भोपाल में, प्रदेश के बाहर भी, अगर कोई बच्चे काम सीखने जाएंगे तो काम सीखने के बदले मामा उनको 8,000 रुपया महीना दिलवाएगा। कार्यक्रम शुरू हो गया है और कई बच्चे चले गए। माँ हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, गांव हो, शहर हो, सबकी समस्या का समाधान। मेरी बहनों, ये कांग्रेस ने तो बताया तुम्हें, जो गरीब बहने थी बेटा बेटी को जन्म देने से पहले उनके खाते में 4,000 डालते, जन्म के बाद 12,000 डालते। कमलनाथ जी ने वो 12,000 और 4,000 रुपये छीन लिए थे। बेटी की शादी करवाई लेकिन 51,000 का ढेला नहीं दिया। बुजुर्गों की हम तीर्थ यात्रा करवाते थे, तीर्थ यात्रा पर रेल से ले जाते थे। कमलनाथ ने रेल से तीर्थ यात्रा बंद करवा दी। अब मेरे बुजुर्गों, तीर्थ यात्रा फिर चालू, और अब केवल रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहे, हवाई जहाज से। अरे गरीबों को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? धीरे से काय को बोलना है, जोर से बोलो, बैठना चाहिए कि नहीं? नया जमाना है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके भलाई और कल्याण के काम कर रही है। मेरी लाडली बहनाओं, सावन के पहले 27 तारीख को 250 रुपया डाले थे, मिल गए कि नहीं मिले? और अब कल फिर डलना है पैसा, और आगे देखना, मैंने वचन दिया था पहले 1,000, अब 1,000 में 15,000 करोड़ रुपया लग रहे हैं। बताओ कोई दे सकता था? और कोई दे सकता था क्या? लेकिन पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, और इंतजाम करते करते अब 1,000 से 1,250, और फिर और इंतजाम करेंगे 1,250 के 1,500, फिर और इंतजाम करेंगे 1,500 के 1,750, फिर और इंतजाम करेंगे 2,000, फिर 2,250, फिर 2,500, फिर 2,750, और बाद में कितने देंगे? जोर से बोलो। ये आपकी जिंदगी बदलने का प्रयास है मेरे भाई, और लक्ष्य यह है कि काम काज करते हुए 10,000 रुपया महीना कम से कम आमदनी होनी चाहिए। हम क्या केवल रोने के लिए पैदा हुए हैं? क्या बहने जिंदगी भर आंसू बहाने के लिए पैदा हुई? जब भी सास रह जाती है मायके में, गले से बाकी और भाभी के लिपट के रो रो के जाती है, अपने दुख को व्यक्त करती है, आंसू बहाती है। चिंता मत करना बहनों, मैं मुख्यमंत्री फिर इसलिए बना हूं, बहनों की जिंदगी में आंसू नहीं रहने दूंगा, किसी भी कीमत पर आंसू नहीं रहने। जिंदगी बदलना हमारा भी, और इन सब जनकल्याणकारी कामों के लिए सचिन जी अभी कई तरह की, हितेंद्र भी बैठे हैं, कई काम कराए विकास के पूर्व में, सचिन ने भी लंबी सूची पढ़ी। आगे भी मैं आपसे ही कहना चाहता हूं, बताओ जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कांग्रेस ने कभी किए क्या? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, किए क्या? अब मैं गिनाऊं थोड़ी कितने करे। अरे एक ही काम देख लो, ओंकारेश्वर में आदिगुरु शंकराचार्य जी की भव्य प्रतिमा लग रही है, और अद्वैत लोक बनेगा, अद्वैत लोक ये ऐसा बनेगा कि पूरी दुनिया देखने आएगी, पूरी दुनिया, और सनावत बड़वा हो गई जाएगी। आपको उज्जैन का पता है? उज्जैन में कितने लोग आ रहे हैं? एक दिन में 2,50,000, 3,00,000, होटल फुल, रेस्टोरेंट फुल, घरों में होटल खोल ली लोगों ने, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, फूल वाले, चाय वाले, पानी वाले, बाकी आर्थिक स्थिति बन गई। ये अद्वैत लोग इस पूरे इलाके की हालत बदल कर रख देगा मेरे बहनों और भाइयों। हम कितने काम आपको गिनाए, कानकूट जो बांध बन रहा है उसका शिलान्यास करने मैं स्वयं आऊंगा, चिंता ना करें। 2,959 करोड़ रुपया की लागत इसमें आएगी। हम रुपए की चिंता थोड़ी करते हैं, हम कमलनाथ थोड़ी रोते रहे, पैसे नहीं हमारे पास, कमी नहीं है, भगवान की भोलेनाथ की कृपा है। मैं क्या करूं, मानते हैं
वो देते हैं उनके चरणों में। फिर परसों सोमवार को फिर प्रणाम करने महाकाल महाराज जा रहा हूँ। तेरी जय हो महाकाल महाराज, मेरी जनता पे कृपा की वर्षा करे रखना, ये सब सुखी हो, इनका ये निरोग हो, इनका मंगल हो, इनका कल्याण हो, यही कामना। तो विकास के सारे काम, सड़कों, सिंचाई की व्यवस्थाएं, मेरी लाडली बहनाओं, घर में पीने का पानी भी अब हैंडपंप से नहीं, पानी भरती रहती थी, हालत खराब हो जाती थी। ये जिंदगी बदलना है। और एक बात और सुन लो, सावन का मैंने कहा रसोई गैस 450 रुपया में दूंगा, वो पैसा डालने वाला हूँ। उजला की सूची है उसमें तो डालूंगा, लेकिन जो गैर उजला वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ। और अब सुनो, केवल सावन के महीने में नहीं, हमेशा 450 में ही गैस दूंगा गरीब बहनों। अब कितनी बातें बताऊं, टाइम नहीं है, वहां तक जाना है। बताओ तुम्हारा भैया अच्छा है कि नहीं, इधर से ही बोल दो अच्छा है कि नहीं, कैसा कोई कर सकता है। तो इसलिए आज आशीर्वाद मांगने आया हूं। बताओ आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे, भाजपा को आशीर्वाद देंगे, नमक को भी आशीर्वाद देंगे। तो उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और मेरे साथ भारत माता की जय बोल के संकल्प लो कि भारतीय जनता पार्टी को वोट भी देंगे और दिलवाएंगे भी। लाडली बहना सेना भी लगेगी, लाडली बहने भी लगेगी, लाडली लक्ष्मी भी लगेंगे, प्यारे भांजे किसान भाई नौजवान सब लगेंगे। संकल्प लें कि भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। उठाइए दोनों हाथ, भांजे दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम नमस्कार। चलो अच्छा, महेश्वर की भी 28-25 लगती तो वहां का कैंडिडेट तो राजकुमार में घोष भी है, उनको भी आशीर्वाद दीजिए आप। चलो गाड़ी में चलो, ओ भाई 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 राहुल, अरे कहाँ जा रहे हो उधर, यहीं से निकल जाओ ना, है वहाँ रास्ता, तो इधर से कहाँ रास्ता, रास्ता नहीं है भाई, इधर से निकलेंगे ना, इधर से। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले बोले मेरे बहनों और भाइयों, परसों सोमवार को मैं फिर महाकाल महाराज की शरण में जा रहा हूं, आभार व्यक्त करने और प्रणाम करने के उन्होंने पानी बरसाया। आप भी अपने अपने गांव के मंदिर में जरूर पूजा करना, बोलो सब करोगे, धन्यवाद।